हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा दिस साइड, कोच कॉमर्स क्लासेस एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं ये चाहता हूँ कि आप सबके साथ बात करूँ एक नए टॉपिक के ऊपर, जो है विजन से रिलेटेड। आप सभी को अपना एक विज़न ज़रूर बनाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, आप सब ने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको हम भी याद करते हैं और आप लोगों को भी याद रहते हैं, और दुनिया में बहुत सारे लोगों को वो याद रहते हैं। वो किस वजह से याद रह जाते हैं, क्यों उनको याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया होता है जो उनको इस लायक बना देता है कि लोग आप उनको याद रखें। अदरवाइज़ लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं और बस अपने अपना जो रोल प्ले करके डिपार्ट कर हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई याद नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई काम नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफ में काम किया, राइट? वो पैदा हुए, उन्होंने जो है अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की, अपने कैरियर को बनाया, उन्होंने कहीं पर जॉब की, जॉब में बहुत एक्सपर्टाइज किया, या फिर बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप किया, और फिर उसके बाद में जो है अपनी लाइफ में पूरा एक्सेल किया, अपना पूरा लाइफ जो फैमिली है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया, और जो भी रिलेटेड ड्यूटीज़ थी उनको उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। मतलब वो अपने पर्सनल लाइफ में तो बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन सोशल लाइफ में उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब फैमिली को फ़र्क पड़ता है, वो याद रखेगी थोड़े टाइम, लेकिन फिर उसके बाद में वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि जब तक पर्पज़ है तब तक याद रखा जाता है, अदरवाइज़ भूल जाते हैं फिर उसके बाद। तो पॉइंट ये है कि कुछ ऐसा काम क्यों ना करें हम अपनी लाइफ में, न केवल हमारी फैमिली बल्कि और लोग भी हमें याद करें और लंबे टाइम तक। बहुत सारे लोगों के एग्जांपल आपके माइंड में होंगे, हम नाम ले सकते हैं बहुत सारे विजनरीज़ का, जिन्होंने ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, क्या एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी का ही होगा। बहुत सारे आसपास भी हमारे लाइफ में हम लोग देखते होंगे डे टू डे एक्टिविटीज़ में, कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई मान लीजिए केवल जो कैटल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी देखभाल करके उसको बहुत खुशी मिल रही है, किसी को आसपास के बच्चों को पढ़ा के खुशी मिल रही है, और किसी को लोगों को खाना मिला के खिला के खुशी मिल रही है, राइट? किसी को लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा के दे के खुशी मिल रही है। तो वो खुशी किसी में भी हो सकती है, राइट? और या फिर कोई ऐसे काम करता है जैसे और लोगों को जैसे बहुत टेंशन है, तो वो ऐसी स्किल्स उसके अंदर हैं कि वो दोनों लोगों को हंसा कर उसको खुशी मिल रही है। तो कोई भी एक ऐसा काम जो लोगों में आपके प्रति इंटरेस्ट डेवलप करे और उनको कोई सेटिस्फैक्शन दे, वो आपका विज़न हो सकता है। एक छोटे विज़न से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एक बहुत बड़ा विज़न ले सकते हो। एक्चुअल में क्या, एक बार आपने विज़न सेट कर लिया ना, तो उसके बाद आगे का काम आपकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग्स में करती है। आपकी जो एनर्जी है, आप जब एक विज़न सेट करते हो तो विज़न ऐसा सेट नहीं होता कि मैंने बोल दिया और वो विज़न सेट हो गया। पूरा कंप्लीट डिटर्मिनेशन चाहिए, कंप्लीट सरेंडर चाहिए, कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए कि अब तो ये काम मैंने सोच लिया, ये मुझे करना ही करना है, राइट? इसका एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्यों कुछ लोग सुबह 5 बजे एकदम जल्दी उठ जाते हैं, या 4 बजे जल्दी उठ जाते हैं, या 4:30 बजे उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 8 बजे भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता? अब क्योंकि हम टीचिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम देखते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, हम बोलते हैं कि भाई आप सुबह जल्दी उठा करो, और उठने के बाद में अपना जो है थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट किया करो, और फिजिकल के बाद फिर अपना जो है अपना एजुकेशन वगैरह, पढ़ाई लिखाई की तैयारी वगैरह किया करो। लेकिन होता क्या है कि वो लोग कहते हैं नहीं साहब, उठाई नहीं जाता है। अगर उनकी क्लास का टाइम सुबह रख दिया तो फिर तो वो गई, राइट? उठको वो अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, वो तो मिस ही हो जाएगी, एबसेंट हो जाएगा वो, या स्कूल जाना तो लेट पहुंचेगा वो, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं और आसानी से उठ जाते हैं और सारे काम कर लेते हैं और कोई थकावट नहीं होती, और क्यों दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो 8 बजे भी उठने के बाद में यूँ सोचते हैं कि सभी अभी और आराम करना बाकी रह गया है, उनके लिए 8 घंटे की नींद भी कम पड़ती है, लेकिन दूसरे लोग जो हैं
आपको 4 घंटे में भी अपने आप को पूरा कंप्लीट रेस्ट का सेटिस्फेक्शन देते हैं, या 6 घंटे में भी देते हैं। ये केवल मेंटल साइकोलॉजी है, कुछ नहीं है कि साहब 8 घंटे पूरी सोने से ही नींद पूरी होगी। अगर आपका कोई विजन है और उसमें पूरे कंप्लीट सरेंडर के आप साथ आप जुड़े हुए हो, तो वो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी अपने आप चैनलाइज करेगा, आपका मेंटल एटीट्यूड उसी हिसाब से बनेगा। और एक बार मेंटल एटीट्यूड बन गया तो वहाँ से सिग्नल पूरी बॉडी में आपके इस तरीके से जाएंगे कि आपको कब कौन सा काम करना है। भाई सिंपल सा एक एग्जांपल है कि क्यों ऐसा होता है कि हम जो है सुबह ट्रेन पकड़नी होती है तो जल्दी उठ जाते हैं, अलार्म लगाते हैं लेकिन अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हमें मान लीजिए सुबह उठकर अगर एक्सरसाइज करनी है या पढ़ाई करनी है तो नहीं उठ पाते हैं। ये सब पॉइंट उस वेटेज का है जो हम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अपने माइंड में रखते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली कि एक विज़न सेट करना है और उसके माइंड में उसको बहुत अच्छा एक स्टोरेज देना है और उसको एक बहुत अच्छा वेटेज देना है और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ उसको पूरा करने के लिए लग जाना है। वो कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा काम भी हो सकता है लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने वाला हो सकता है। वो कोई मॉनेटरी अर्निंग से रिलेटेड नहीं, वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लाइफ में भी लोग बात कर रहे हैं जो आपका जो है ज़रूरी नहीं है कि मतलब कहने का वो केवल अर्निंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, वो उसके साथ भी होता है, उसके बिना भी होता है, उससे पहले भी होता है, उसके बाद भी होता है और उसके साथ भी होता है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि बहुत जरूरी सोचो व्हाई दिस लाइफ हैज़ बीन गिवन बाय गॉड टू यू, व्हाट शुड बी द पर्पस। और ये आंसर कहाँ से आएगा, केवल सोचने से नहीं, अपने आप से क्वेश्चन करने से आएगा। आपको खुद को अपने आप से पूछना है तो आंसर आपके वो अपने आप मिलेगा। अंदर वॉइस होती है, राइट, अंदर से आवाज़ आती है अगर आप उस आवाज़ को ध्यान से सुनो तो। किसी को अब जैसे ब्लाइंडली फॉलो करने से काम नहीं चलेगा। अब कोई पर्सन है उसे जैसे कैटल्स की देखभाल करने में, उसकी सेवा करने में उसको अच्छा लग रहा है, किसी को फ्री पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, किसी को लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने में अच्छा लग रहा है, किसी को फिजिकल सर्विस मंदिर में देने से अच्छा लग रहा है, या कुछ और कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि यही सारी चीज़ें उसको देख के आप करने लगोगे तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा। करते ज़्यादातर लोग ऐसा ही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि ऐसा करने से आपको भी अच्छा लगेगा। या आपको अपने अंदर से आवाज़ देखनी है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी जो आपको क्लिक कर रही होगी, स्ट्राइक कर रही होगी आपके माइंड में। जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करोगे ना तब तो आप राइट ट्रैक पे हो। और विज़न आपका स्ट्रांग है तो अच्छा कैरियर आपका बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके लाइफ में डिसिप्लिन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके मान लीजिए कोई भी गोल आप सेट कर ले उसको अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, सुबह जल्दी उठने से आपको कोई नहीं रोक सकता, वर्ड कमिटमेंट से आपको कोई नहीं रोक सकता, लाइफ फुलफिलमेंट एंड एनरिचमेंट से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो बात मैंने स्टार्टिंग में की थी कि आपको आपकी फैमिली प्राउड फील करेगी आपके लाइफ टाइम में भी, बाद में भी, एब्सेंस में भी, और न केवल फैमिली बल्कि आपकी सोसाइटी, आपकी सिटी, आपका स्टेट, आपका कंट्री, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया तो पूरी दुनिया में आप एक इमेज बना चुके होंगे। बड़े बड़े विज़न वाले लोग बहुत छोटे छोटे काम से उन्होंने शुरुआत की लेकिन पूरे डेडिकेशन से किया, पैसा भले ही नहीं कमाया लेकिन ग्लोबल एग्जिस्टेंस है, ग्लोबल फेम है, उनको लोग याद करते हैं, वो करोड़ों रुपया उनके सामने आता है लेकिन वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनको ऑफर किया जाता है साहब ये ले लो और इस बात से, इस मिशन से अपने से हट जाओ, लेकिन वो नहीं हटते हैं। तो जब तक आप मिशन नहीं बनाओगे, जब तक आप विज़न नहीं बनाओगे तो कहानी बनने वाली नहीं है। तो आपको वो शुरुआत कब से करनी है, अभी से सोचना शुरू करना है। भाई हमारा पर्पज़ ही स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को और यूथ जनरेशन को एक राइट गाइडेंस देना है, तो इस एफर्ट के साथ ये हमारा मिशन है, तो इस मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। आपको करना क्या है, ये मेरा विज़न है जो मैंने अभी बोला, राइट। तो यूथ जनरेशन को, यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस देना, तो इस मिशन में आप कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरा ये जो चैनल है डॉक्टर अश्विनी शर्मा के नाम से, इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियोस। मैंने जो कमिटमेंट किया है टाइम टू टाइम डिलीवरी ऑफ मोर जस्ट अट्रैक्टिव
एंड लर्नेबल एंड बहुत ही स्मार्ट एक्शन वाले जो वीडियोस हैं जिससे आपको माइंड में किक मिले, उनको मैं बनाता रहूँगा और मैं इसमें जितना मेरा बेस्ट एफर्ट्स है मैं अपना इनपुट करूँगा। शुरुआत मैंने कर दी है, थैंक यू सो मच, बाय।